दोस्तों स्वागत है आपका SAS एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। और RTI एक्ट 2005 के बारे में चर्चा कर रहे थे अपने, तो उसी सीरीज़ में आज का चौथा लेक्चर है। और इससे पहले अपनों ने दो वीडियो इसके कॉन्सेप्ट्स पे और एक वीडियो इसके MCQs पे अपनों ने बनाया है, और ये MCQ का दूसरा पार्ट होगा। टोटल फोर्थ लेक्चर होगा RTI एक्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं जो अपनों ने पढ़ा है अभी तक। तो स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। देखो, RTI एक्ट दोस्तों लागू कब हुआ? RTI एक्ट हमारे देश में लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए? 15 जून 2005 को। ठीक है, इस दिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया। इसके बाद क्या था दोस्तों, क्या पढ़ा था अपनों ने कि ये जब कानून लागू हुआ RTI एक्ट 2005, इसके पहले जितने भी सूचना के अधिकार से रिलेटेड कानून थे वो सारे रिपील हो गए, वो सारे रद्द हो गए, और ये नया कानून सब पे लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा? CIC पढ़ा था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, इसके अंदर कितने लोग होते हैं? 1+10, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 इसके हेल्पिंग सूचना आयुक्त। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था? इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका दर्जा किसके बराबर मिला है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो निर्वाचन के लिए योग्यताएँ क्या है? योग्यताएँ क्या है? कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई विधि का जानकार हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, उसको प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति इसमें CIC बन सकता है, केंद्रीय सूचना आयोग में वो सदस्य बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या था? इसकी कार्यकाल 5 साल या 65 साल। ठीक है, 65 साल की उम्र तक या 5 साल जो भी पहले होगा, और सूचना आयुक्त तो और मुख्य सूचना आयुक्त का कंबाइन कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये अपनों ने पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था दोस्तों? इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं? ठीक है, शक्तियाँ क्या है? ये PIO पर जुर्माना लगा सकता है 250 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 25,000 तक। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था? इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? कॉलेजियम के द्वारा होगा। ठीक है, कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? एक तो अपना प्रेसिडेंट, सॉरी प्रधानमंत्री अपना इसका अध्यक्ष होगा, उसके बाद विपक्ष का कोई एक नेता जो मेन नेता है विपक्ष का, और तीसरा क्या था? एक कैबिनेट मंत्री, इनकी सिफारिश पे होता है। इसको हटाया कैसे जा सकता है दोस्तों? हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा करवाई गई जाँच के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या था दोस्तों? इसके बाद अपनों ने पढ़ा था PIO का पद था। अगर आप PIO से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो इसमें तीन डेटा मैंने आपको याद करवाने के लिए बताए थे, 30 दिन, 40 दिन और 48 आवर्स। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे, 30 दिन, 40 दिन और 48 आवर्स। PIO से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जवाब से, उसने जवाब नहीं दिया, तो फर्स्ट अपील कहाँ करोगे? अपेलेट अथॉरिटी के पास। इसके बाद किस पे जा करोगे? SIC या CIC के पास। ठीक है, इसको दोबारा देखिए, सबसे पहले आप PIO के पास गए, इसने सूचना नहीं दिया आपको, तो आप किसके पास जाओगे? AP, अपेलेट अथॉरिटी, जो इसका सीनियर रैंक का होगा। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं होता, आप SIC और CIC के पास जाओगे। ठीक है, PIO के पास कितना टाइम है? 30, 40 और 48। अगर इन दिनों में वो सूचना नहीं देता है, या जैसे 30 दिन, 40 दिन और 48 दिन है, 30 दिन नॉर्मल, 40 दिन थर्ड पार्टी, और 48 घंटे किसी की लाइफ या लिबर्टी से जुड़े हुए मामले हैं, तो ठीक है। तो और अगर इसमें कोई, अगर इसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप किसके पास फर्स्ट अपील किसके पास करोगे? AP। वो कितने दिन के अंदर करनी होगी? 30 दिन के अंदर। फर्स्ट अपील क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि फर्स्ट अपील कितने दिन में की जा सकती है। इसका PIO का निर्णय आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है अपेलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, और इसके बाद डिस्पोजल टाइम कितना है? 45 डे मैक्सिमम, 30+15। नॉर्मल रीजन में 30+15 दिन उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो अपेलेट अथॉरिटी से, तो आप SI या CIC के पास जाओगे। इसके लिए अपील करने के लिए आपको कितना दिन का टाइम है? 90 दिन का टाइम है। ठीक है, सेकंड सेकंड अपील करने के लिए कितने दिन का टाइम दिया हुआ है? 90 दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, SIC के पास कब जाओगे? जब राज्य सूची से हो। CIC के पास कब जाओगे? जब केंद्रीय सूची से संबंधित विषय हो। ठीक है, समवर्ती सूची हो, तो इधर ऑफ देम किसी में भी जा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और इनका डिस्पोजल टाइम कितना है? ये तो बोल दिया कि भाई 90 दिन के अंदर आप इसमें शिकायत कर सकते हो, लेकिन इनका डिस्पोजल टाइम के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। वो उनकी मर्जी है, वो 1 हफ्ते में दे, 2 हफ्ते में दे, वो कितने भी दिन में आपको आंसर कर सकते हैं। दोस्तों अपने डिस्कस करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? RTI लॉज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन पढ़ा, एंटी गवर्नमेंट लॉ है, ओपन गवर्नमेंट लॉज एंड सनशाइन लॉज है,
ब्लैक लॉज हैं, एंटी डेवलपमेंट लॉज हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, एंटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ब्लैक लॉज नहीं हो सकते, एंटी गवर्नमेंट लॉ नहीं हो सकते, ये ओपन गवर्नमेंट एंड सनशाइन है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील बाय द थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 19(2) ऑफ द RTI एक्ट, ठीक है। जब भी फर्स्ट अपील की बात आए तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको, एक आंसर आपको याद रखना है, 30 दिन। फर्स्ट अपील कितने दिन में कर सकते हो? 30 दिन के अंदर। यहाँ पे क्या है PIO, यहाँ क्या है AP अपेलेट अथॉरिटी, और उसके आप ऊपर क्या है SIC और CIC है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है SIC और CIC। तो आप व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील बाय द थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 19(2) ऑफ द RTI एक्ट, ये क्या बोल रहा है दोस्तों, फर्स्ट अपील की जब भी बात आए तो आपको 30 दिन इसका आंसर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है PIO, यहाँ क्या है AP अपेलेट अथॉरिटी, यहाँ पे क्या है SIC और CIC, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अपील कहाँ दायर करोगे? AP अपेलेट अथॉरिटी के पास। फर्स्ट अपील आप कहाँ दायर करोगे? अपेलेट अथॉरिटी के पास। तो इसके लिए कितना दिन का टाइम है? 30 दिन का। और इसके बाद डिस्पोजल टाइम कितना है? मैक्सिमम 45 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द PIO's ऑर्डर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया, विच क्लॉज अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द RTI एक्ट टॉक्स ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का इन्वेजन करना, प्राइवेसी पर आक्रमण करना, प्राइवेसी का, तो ये किसके अंदर दिया हुआ है? क्लॉज जे के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 8(1) के, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द RTI एक्ट 2005 व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्ट 2002। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि जब RTI एक्ट 2005 लागू हुआ तो इससे पहले जो भी नियम थे सूचना के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड, वो सारे रिपील हो गए, रद्द हो गए। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, इट हैज़ बीन रिपील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? डिस्क में, फ्लॉपी में, टेप में, ऑल द अबव, सब में ले सकते हो आप। और डिस्क और फ्लॉपी के अंदर आपको ₹50 प्रति डिस्क या फ्लॉपी आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 28 नंबर सवाल पे, हु हैज़ द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज अराइजिंग इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट 2005। किसके पास पावर है अगर इस एक्ट को, अधिनियम को लागू कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी आ रही है उसको बढ़ाने के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। CIC तो दोस्तों एक पद है इसका, ठीक है, तो उसके पास पावर नहीं रहती है ये, ठीक है। उसका काम तो ओनली सूचनाएं, ग्रेवेंसेज लेना है लोगों से और उसका जवाब देना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास भी नहीं है, ठीक है, और इसका आ जाएगा आंसर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, विच प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर थर्ड पार्टी अपील, थर्ड पार्टी अपील के बारे में कहाँ बात हुई है? वो है सेक्शन 19(2), ठीक है। ये सीधा सीधा आपको याद करना है सेक्शन 19(2) के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1)(j) द फॉलोइंग ऑफिसर मे डिस्क्लोज द एग्जैम्प्ट इन्फॉर्मेशन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है एक्ट के अंदर, लेकिन अगर पब्लिक का इंटरेस्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसमें देश देश का भला है, पब्लिक का भला है, तो जो PIO और अपेलेट अथॉरिटी है वो अपने डिस्क्रिशन पावर होती है उनके पास, वो डिसीजन ले सकते हैं, उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसमें बहुत ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द RTI एक्ट 2005 इज टू स्ट्रेंथनिंग एंड डीपनिंग डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये RTI एक्ट जो है लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दे रहा है, तो इससे लोकतंत्र तो मजबूत ही हो रहा है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो डीपनिंग डेमोक्रेसी है, तो सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद क्या, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी काम की, क्योंकि उनको पता है कोई हमें से सूचना लेगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी काम करने की। एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं वो। मान लो वो गलत काम करते हैं RTI एक्ट के अंदर, उन्होंने बता दिया डेटा, तो वो पूरे अकाउंटेबल हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बोथ एंड बी। आगे चलते हैं दोस्तों, द RTI एक्ट 2005 सुपरसीड्स द इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, द इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, एनी थिंग इनकंसिस्टेंट इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट ऑफ वर्च्यू बाय लॉ अदर देन इटसेल्फ, ठीक है दोस्तों। तो एक ही चीज़ याद रखनी, जब RTI एक्ट 2005 लागू हुआ तो उससे पहले जो भी कानून थे वो रिपील हो गए, रद्द हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर ABC सारे रिपील हो गए, वैसे यही आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, द टाइम स्पेसिफाइड इन द RTI एक्ट 2005 फॉर द सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट इज। अब ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले क्या था PIO, उसके ऊपर क्या है अपेलेट अथॉरिटी, उसके ऊपर क्या है SIC और CIC, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है कि ये पूछ रहा है कि जब फर्स्ट अपील आप कहाँ करते हो? अपेलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील आप कहाँ करते हो? SIC या CIC के पास। ये पूछ रहा है कि जब आप सेकंड अपील करते हो SIC और CIC के पास, तो उनके लिए उनका डिस्पोजल टाइम कितना है, उनको कितने दिन में जवाब देना है? तो इसके लिए दोस्तों कोई लिमिट नहीं दी गई है, कोई भी प्रावधान इस एक्ट के अंदर नहीं है, नो लिमिट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि फर्स्ट अपील करिए उसके लिए कितना दिन का टाइम है, तो उसके लिए मैक्सिमम 40 डेज, 45 डेज का टाइम है, 30+15, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, सेक्शन 4(1)(b)
फेल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ कंसेशंस, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ परमिट्स, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ ऑथराइजेशंस ग्रांटेड ऑल द अबव। पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या पब्लिश करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो लगभग सारे ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है वो उसको देनी पड़ेगी। रेसिपिएंट्स ऑफ कंसेशंस, जो भी कंसेशन उसको रिसिप्ट हुए हैं उसके बारे में, रेसिपिएंट्स ऑफ परमिट्स, जितने परमिट उनको इश्यू करने हैं उस बारे में, हायर फॉर्मेशन से जो ऑर्डर हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ ऑथराइजेशन ग्रांटेड, क्या क्या ग्रांट करी है ऑथराइजेशन उन्होंने, उसके बारे में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आप उनको देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट टॉक्स ऑफ हाउ मेनी ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, कितने इन्फॉर्मेशन कमीशन है, दो है, SIC और CIC, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, देखो दोस्तों अपने किसी पब्लिक अथॉरिटी से मान लो मैंने अप्लाई किया और उससे जवाब मांगा, लेकिन गलती से मुझे नहीं पता था कि ये कंसर्निंग पब्लिक अथॉरिटी है ये जिससे मुझे जवाब चाहिए, तो इसके अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है सेक्शन 6(3) आरटीआई एक्ट के अंदर, उसके अंदर उस पब्लिक अथॉरिटी को मैंने किसी पब्लिक अथॉरिटी से जवाब मांगा है और वो इस अथॉरिटी से वो ग्रीवेंसी समझ नहीं संबंधित नहीं है, तो उसको उस एप्लीकेशन को कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना है। तो ये बात कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 6(3) में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द प्रीएम्बल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स दैट ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वाइटल टू कंटेन करप्शन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है आरटीआई एक्ट 2005 की, वो बोलती है कि इन्फॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे अपने किस चीज़ का पता लगा सकते हैं, क्यों ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करप्शन हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, करप्शन मिटा नहीं सकते ना अपने मेजर कर सकते ना प्रमोट कर सकते, तो इसका कंटेन करप्शन, इसलिए वो महत्वपूर्ण है उसकी प्रियम्बल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सॉरी रूल 2012, फी फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ डिस्क और फ्लॉपी 50 रुपये, बता दिया आपको, फोटो कॉपी करवाते तो 2 रुपये पर पेज, ठीक है, A3 और स्मॉलर साइज में, और रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने हैं तो बताओ कमेंट में नीचे जवाब देना, अगर फर्स्ट आवर के रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने हैं तो आपको कितनी फीस लगेगी, ठीक है। द आरटीआई एक्ट 2005 गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पब्लिक अथॉरिटीज़, आँख मीच के लगा दो आप तो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट डिफाइंस पब्लिक इंटरेस्ट, कौन से सेक्शन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव, इन सेक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है, वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेक्शन में कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कहाँ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला 41 क्वेश्चन, प्रीएम्बल टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टॉक्स ऑफ अदर पब्लिक इंटरेस्ट, दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में जब भी बात आएगी दोस्तों तो उसके अंदर क्या होगा, एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो सही चीज़ है, ये तो गवर्नमेंट के हित में है तो ये तो होना ही चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट को क्या है संसाधन तो लिमिटेड है उनको, तो उनको ऑप्टिमम यूज़ करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनका प्रिजर्व भी करना है, उसको लीकेज नहीं होने देनी है, ठीक है। तो इसमें कहा जाएगा ऑल ऑफ द अबव, प्रीएम्बल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने, द आरटीआई एक्ट 2005 सेज दैट द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी टू अनदर शुड, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऊपर पढ़ा था एक क्वेश्चन सेक्शन नंबर 6(3), ठीक है। इसके अंदर क्या है, बी डन एज सून एज प्रैक्टिसेबल, अगर मैंने किसी गलत अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग ली तो वो कंसर्न अथॉरिटी को देगा, तो ये क्या हुआ जल्दी से जल्द करनी है उसको, 5 कैलेंडर डेज से उसको ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है कि वो एप्लीकेंट को तुरंत कम्युनिकेट करेगा, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन पे, अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लाइबल टू बी इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी फॉर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, नीचे क्या होता है दोस्तों PIO, उसके बाद क्या होता है APIO, सॉरी नीचे होता है PIO, ऊपर होता है अपेलेट अथॉरिटी AP, और उसके बाद होता है SIC और CIC। अगर SIC या CIC को PIO पर जुर्माना लगाना है कितना लगाता है, 250 रुपये पर डे और 25,000 तक मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। तो ये किस कंडीशन में लगा सकता है, अगर PIO रिफ्यूज़ल टू रिसीव एन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, वो मना कर देता है कि मैं तो एप्लीकेशन नहीं लूँगा, नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, कितना टाइम लिमिट है, 30, 40 और 48, ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद है ना, और APIO के थ्रू आती है जब वो +5 +5 और हो जाता है उसमें, ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, या डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, ये तीनों ही केस में वो जुर्माने के लायक है, मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी जो पेनल्टी है उस पर लग सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्सप्लेन अबाउट एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सक्लूडेड है जिनके बारे में अपने इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, जैसे इंटेलिजेंस एरो है, IB है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूड रखा गया है,
तो वो किसमें दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 24 में। ठीक है दोस्तों, तो ये चार चैप्टर पूरे हो चुके हैं, चार लेक्चर पूरे हो चुके हैं आरटीए एक्ट 2005 के बारे में। एक लेक्चर और लूँगा मैं अभी आपका इसके अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, वो एक दो दिन में आपको अपलोड कर दूंगा मैं। तब तक इनको देखिए, अच्छे से कंसेप्ट कंठस्थ कर लिए। 95% पेपर इसी में से आएगा, इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। अगर 3 सवाल आते हैं तो मान के चलो 2 से 2.5 सवाल इसी में से आएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स।